भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने मंगलवार को नैनीताल जिले के अध्यक्ष की कमान प्रताप बिष्ट को सौंपी है। भाजपा जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रताप बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संगठित करना शुरू कर दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी आला कमान का आभार जताया और कहा कि संगठन की मजबूती के लिए वह हर दिशा में काम करेंगे। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए वह भाजपा कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन हो उस पर काम किया जाएगा। वहीं आम जनता को सरकार की योजना का लाभ मिले उसको सुनिश्चित कराना उनकी अहम जिम्मेदारी है। कार्यकर्ताओं को समय समय पर दायित्वों से इसलिए करती है, प्रत्येक कार्यकर्ता को दायित्व प्रदान करती है और इसी कड़ी में हमें भी इस बार दायित्व प्रदान किया है, दायित्व दिया है और मेरा निश्चित तौर पर ईमानदारी से इस दायित्व को निर्वहन करने का प्रयास रहेगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जी एवं सभी हमारे संगठन मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस दायित्व लेकर समझा और मुझे दायित्व दिया गया है। पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ इस दायित्व के निर्वहन का प्रयास करूंगा। संगठन और सरकार, जनता पार्टी में सरकार संगठन दोनों हमारे ही हैं और सहयोगी के रूप में संगठन सरकार के साथ काम करता है। तो निश्चित तौर पर पुष्कर धामी जी की हमारी यह सरकार बहुत अच्छा कार्य पूरे प्रदेश में कर रही है। युवा मुख्यमंत्री हैं, लगातार अपना भ्रमण करते हैं और अभी वर्तमान समय में कुछ समय पूर्व हल्द्वानी में भी आए थे और खुद लगातार वे विकास कार्यों पर नज़र बनाए हुए हैं। उसी जो प्रयास गरीब जनता तक का, जो अंत्योदय तक का जो हमारा प्रयास है, उन प्रयासों को भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी आगे को बढ़ाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम भी उनके साथ अपनी जो योजना है, सरकारी योजना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारे प्रत्येक बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख तक का जितने भी हमारे बने हुए हैं सभी इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और हम उस दिशा में संगठन में सक्रियता से और हमारे बूथ स्तर तक का संगठन सभी जगह बना हुआ है। पूर्ण रूप से हमारे कार्यकर्ता हमेशा सजग रहते हैं, सजग प्रहरी के रूप में कार्य करते रहते हैं और चाहे कोरोना काल हो, चाहे आपदा हो, चाहे विपत्ति की स्थिति हो, हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ तक, गांव गांव तक, प्रत्येक मोहल्ले तक कार्य करता है। इसलिए जो भी चुनाव है उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी पन्ना स्तर तक की जो है हमारी दायित्व बढ़ चुके हैं, शक्ति केंद्र हमारे पूर्ण गठित हैं। इसलिए जो भी चुनाव आएगा उसके लिए हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हमेशा सजग रहती है और आने वाले आगामी चुनाव में भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम निकाय के चुनाव भी और हम लोकसभा के चुनाव भी बहुत ही भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है।